सब्सक्राइब करें डी क्रिकेट चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर खबर पहुंचे आपके पास सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, डिजायर क्रिकेट में आप सभी का स्वागत है। जो रूट की खतरनाक गेंदबाजी के आगे पस्त हुए भारतीय बल्लेबाज, सिर्फ 145 रनों पर सिमटी भारतीय पारी। जी हाँ, भारत इंग्लैंड के टेस्ट सीरीज के तीसरे मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने दूसरे दिन भारतीय बल्लेबाजों को खासा परेशान किया। पिंक बॉल टेस्ट में टॉस जीतकर इंग्लैंड के कप्तान ने बल्लेबाजी का फैसला लिया, परंतु भारतीय स्पिनर के आगे इंग्लैंड के बल्लेबाज बुरी तरह लड़खड़ा गए। भारत की ओर से अक्षर पटेल ने सर्वाधिक 6 विकेट झटके और इंग्लैंड को पहली पारी में सिर्फ 112 रनों पर ही रोक दिया। भारतीय टीम भी अपनी पहली पारी में सदी हुई शुरुआत दी, परंतु दूसरे दिन जैसे ही भारतीय टीम ने 112 रनों के आंकड़े को पार किया, वैसे ही भारतीय बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह बिखरते चले गए। महज 27 रनों के अंदर ही भारत ने 5 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए। मोटेरा के इस पिच पर स्पिनर्स का बोलबाला है और इंग्लैंड की ओर से सिर्फ जैक लीच ही रेगुलर स्पिन गेंदबाज खेल रहे हैं। अब ऐसे में दूसरी छोर से गेंदबाजी करने आए इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने कमाल ही कर दिया। अपने स्पेल के दूसरे ही ओवर में ऋषभ पंत को और फिर वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, रविचंद्र अश्विन और आखिर में जसप्रीत बुमराह का विकेट चटकाकर भारतीय टीम को बैकफुट पर ला दिया। जो रूट ने 6.2 ओवर में सिर्फ 8 रन देकर 5 विकेट झटके और भारत पहली पारी में सिर्फ 145 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और भारत को सिर्फ 33 रनों की ही बढ़त मिल पाई। अब आलम यह है कि कल तक जो भारतीय टीम इस मैच में आगे दिख रही थी, वो अब रूट की गेंदबाजी ने इस मैच को लगभग बराबर कर दिया है। जो रूट की गेंदबाजी पर आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और हाँ, डी क्रिकेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।